सैमसंग ने ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रखा FRP को लेके। अभी क्या हो रहा था, पहले हम सैम हाओ मेगमा से बड़े मजे से FRP कर रहे थे उस दौरान, और उसके बाद में क्या हुआ कि हम ऑनलाइन एजेंट जो होते थे उनको भी भूल चुके थे, क्योंकि जब काम हमारा 25 रुपये में एनी टाइम एनी हावर्स कभी भी घर बैठे किसी भी कोने में तुरंत कर लेते थे, तो हमें एजेंटों की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले मेगमा की और सैम हब की सर्विस डाउन होगी, ख़त्म ही होगी। उसके बाद में क्या हुआ कि भाई ऑनलाइन एजेंटों से कॉन्टैक्ट करना पड़ गया। ऑनलाइन एजेंट अब आपको पहले 25, 50, 60, 70, 80, 100 रुपये तक FRP करके दे रहे थे। तो क्या हुआ, फिर मेगमा ने भी और रेट बढ़ा दिया अपने, मेगमा और सैम हब ने वो कर दिया कि $4 में अब आपका FRP होगा। उसके बाद में सैम हब मेगमा की दोबारा से सर्विस चलेगी, उसके बाद में अब एजेंटों ने भी रेट बढ़ा दिया, एजेंटों ने 300-350 रुपये, 350 रुपये, 250 रुपये FRP तक चला गया। तो लोग बागों को अपना पुराना आइडिया लगाया लोग बागों ने, क्यों नहीं यार हाथों से किया जाए काम FRP, या क्यों नहीं कॉम्बिनेशन से किया जाए, क्यों नहीं टूलों से काम किया जाए। तो अब लोग बागों का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि हम किसी कंपनी पे विश्वास नहीं करते, कब हमारा पैसा लेके भाग जाए, मेगमा भाग जाए, सैम हब भाग जाए, किसी भाई को किसी पे विश्वास नहीं है। बाकी हमें विश्वास करना पड़ता है एक दूसरे के ऊपर, जब भी काम चलता बिना विश्वास करे काम नहीं चलेगा। ठीक है, हर कोई कंपनी ऐसी नहीं होती, देखो टर्म एंड कंडीशन है होती है हर किसी की। अगर आज की डेट में आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना, कोई भी उस चीज़ के बारे में बता देगा लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन होती है उसे कोई नहीं बताता, ना हम पढ़ते और ना हमें कोई पढ़ के बताता कि ऐसा भी हो सकता है। आज UMTMRT चल रहा है या कोई और भी टूल चल रहे जो अपने पास है, शायद हो सके उनकी टर्म एंड कंडीशन हो सके कि वो बंद कर दें, ये किसी के हाथ में नहीं हो सकता, ये तो टर्म एंड कंडीशन है। लेकिन हमें चीज़ खरीदने के बावजूद भी दूसरे के ऊपर असर तो रहना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अजय मैथिल आज आपके लिए लेके आया हूँ Samsung FRP। Samsung FRP का Part 1 है ये, और कोशिश करूँगा कि Samsung FRP के जितने भी पार्ट बनेंगे आपको बना के दूंगा। कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरा Samsung FRP का पूरा टॉपिक दूँ। तो भाई मेरे पीछे आपको पता है कि एक ब्लैक बोर्ड है और उसके ऊपर मैंने कुछ लिख रखा स्केच पेन से। ठीक है, उससे पहले मेरे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आगे शेयर कर दो, और एक अच्छा सा कमेंट कर दो सभी भाइयों के लिए। बहुत से भाई बोलते हैं कि मैं आपका बिग फैन हूँ, काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू भाई, उन सभी भाइयों को दिल से बोलता हूँ कि थैंक यू। तो चलो अब आ जाते हैं Samsung FRP के ऊपर। आज की डेट में Samsung FRP हमारा दिमाग ख़राब कर रखा। देखो ये Samsung FRP, Samsung का कोई भी फ़ोन आपकी दुकान पे आ जाए तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि वो आपकी दुकान से वापसी ना जाए। मैं आपको ऐसे ऐसे स्टेप बताऊँगा Samsung FRP के ऊपर कि शायद आप किसी ने ना बताए होंगे, बता भी दिए होंगे, तो मैं एक मतलब अपनी कोशिश ये करता हूँ अपनी ओर से कि जो भी FRP आपको दूँ, मतलब कोई भी वीडियो बना के दूँ, FRP नहीं, कोई भी वीडियो बना के दूँ, कोशिश ये करूँ उसमें नॉलेज हो। आप उस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखा करो, जब भी आपको समझ में आएगा। और लेकिन मेरे को यार फ़ोन करके मत परेशान किया करो, मैं बहुत परेशान हूँ और हर किसी बंदे की कॉल उठाता हूँ, अगर नहीं उठा पाता तो मैं उनको कॉल भी बैक करता हूँ, पर उनके सवाल आड़े टेढ़े होते हैं ना, दिमाग ख़राब कर देते हैं। मैंने सिंपल सा बता रखा है UMT को ऐसा वो क्या, पर वो चीज़ भी वीडियो को नहीं देखते फिर सीधा फ़ोन कर देते हैं। जब मैं फ़ोन सर्विस कॉलिंग बंद कर दूंगा जब क्या करोगे आप। ठीक है, चलो कुछ नहीं होगा, आप फ़ोन नहीं करोगे, मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो सिंपल सी बात ये है, आज की डेट में Samsung FRP दो तरीका से हो रही है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन का बहुत ही अच्छा सरल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, बस सामने वाले एजेंट को पैसे देने हैं और फोन कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करना, ना टेंशन लेनी, ना कोई झगड़ाबाजी, ना रगड़म पट्टी, कुछ नहीं, सिंपल सा फोन को कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट कर दो, और कंप्यूटर के कनेक्ट करने के बाद में जितना भी है टीम व्यूअर का फोटो खींच के सामने वाले के एजेंट को भेज दो, जितना भी काम करेगा सामने वाला करेगा, आपको कुछ नहीं करना। जब वो डन करके मैसेज कर देगा ना आपकी स्क्रीन पे लिखा जाएगा डन, तो समझना कि आपकी FRP होगी। ऑनलाइन एजेंट अभी कुछ टाइम पहले 300-350 रुपये, उससे पहले 60-70-80-100 रुपये तक Samsung FRP कर रहे थे, लेकिन Samsung की FRP कभी ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं बढ़ा जितना शायद अब बढ़ा 300-350 रुपये तक। फिलहाल अभी उसी हौले हौले अपने रूटीन पे आ रहा, अभी 100-150-200 तक गाड़ी आ चुकी है,
तो हो सकता है कि और भी डाउन हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है 80 रुपये तक, ठीक है। ये तो है ऑनलाइन का फंडा, ऑनलाइन में एजेंट के थ्रू। अब बोलोगे सर ऑनलाइन एजेंटों के नंबर कहाँ मिलेंगे, इस वीडियो के नीचे ना डिस्क्रिप्शन में नंबर डालूंगा, कोशिश करूंगा कि सैमसंग FRP, ये कुछ बंदे ऐसे हैं जो सैमसंग की FRP के अलावा और भी काम करते हैं, ठीक है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई MI, ओप्पो, वीवो वगैरह वगैरह। और मैं सभी भाइयों को बता दूं कि ओप्पो की सर्विस ऑल इंडिया ऑफ है, कहीं ऑन नहीं है। अगर कोई भाई करके देगा 3,000-3,500 रुपये लेगा आपसे, 3,500-4,000 लेगा, कौन कराएगा, कोई नहीं कराता, ठीक है। तो मेरे एजेंटों पे कराना, किसी और पे मत कराना, कभी खामा खान लुट जाओ, ठीक है, मैं एजेंटों से एक अलग मैटर है, ठीक है। तो भाई अब आते हैं ऑफलाइन वाली बात। अब देखो आपके पास फोन है, आपके पास एक कंप्यूटर है, आपके पास एक नेट है, ये तीन चीज आपके पास होनी चाहिए जब भी आप सैमसंग की FRP कर सकते हो। अब देखो जो ऑफलाइन FRP होगी ना वो फ्री होगी, जो सैमसंग की FRP होगी ऑफलाइन जो होगी वो फ्री होगी, उसका कोई चार्जेबल नहीं है। लेकिन कुछ आपके पास टूल अवेलेबल होने चाहिए या आपका हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए कि किस तरीका से करोगे कि सामने वाली वीडियो को। देखो कुछ टॉपिक हैं, ट्रिक्स हैं जो जिसके थ्रू आप कर सकते हो, क्या हैं, एक तो हो गया टूल, सबसे पहले टूल। अभी UMT में बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं, आपके अनलॉक टूल में भी आ चुके हैं और हेड्रा में भी अनलॉक, मतलब हेड्रा में भी टूल सैमसंग FRP के अनलॉकिंग आ चुके हैं, FRP की भी, ठीक है। अब टूल से तो मैटर ये हो गया, और कुछ क्रैक टूल भी हैं जिनसे भी आप सैमसंग की FRP कर सकते हो, जैसे सैमसंग J2, J2 6, और कुछ मॉडल पुराने हैं जिन्हें आप ऑफलाइन कर सकते हो टूल के थ्रू, ठीक है। अब आता एक आता दूसरा टॉपिक आता ये COM डॉट मैंने लगा रखा, कभी बोलो कि कॉम फाइल क्या होता है, ये कॉम नहीं है, कॉम्बिनेशन फाइल होती है। कॉम्बिनेशन फाइल में ये होता है कि भाई आपके पास कोई फ़ोन आ गया सैमसंग J6 आ गया, तो J6 की पहले तो कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, और डाउनलोड करके फिर उसकी फुल फ्लैश डाउनलोड करके उसे करना पड़ेगा। ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ना, इनके ऊपर और भी वीडियो आएंगी सैमसंग FRP की, एक ही पार्ट से काम नहीं चलेगा, चाहे मैं आपको कितना भी समझाने की कोशिश करूँ जब भी आप समझ नहीं पाओगे, जब तक आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा ना जब तक नहीं समझोगे। लेकिन कुछ भाई समझदार इतने होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बता दिया कि कॉम्बिनेशन एक फ़ोन को फ्लैश करने के लिए, एक फ़ोन को FRP बाईपास अनलॉक करने के लिए आपके पास अच्छा खासा नेट की स्पीड होनी चाहिए, नेट की स्पीड होगी तो जब भी आप कर सकते हो। और जो बैनरी चक्कर होता है ना, किसी भी फ़ोन को फ्लैश करते जो बैनरी का चक्कर जो होता वो भी अगला पार्ट आएगा, वो इन्हीं पार्टों में इंक्लूड होगा कि वैनरी का फंडा होता क्या है सैमसंग FRP फ्लैश करने में, वैनरी का सिस्टम क्या होता, वो भी सब आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मतलब कॉम्बिनेशन फाइल से आप सैमसंग की FRP कर सकते हो फ्री, कोई चार्जेबल नहीं है, लेकिन आपको सब नेट के थ्रू होगा, नेट आपके पास होना चाहिए। कॉम्बिनेशन फाइल 700-800 MB की होती है, और जो फ्लैशिंग फाइल होती है कुछ मॉडलों के डिपेंड के ऊपर होती है कि 2 GB की है, 3 GB की है, किस कैसी है, ठीक है। हम पहले से क्या, आज की डेट में भी अगर हमें कोई ऑफलाइन फ़ोन FRP करना है ना, तो हम आज की डेट में भी कॉम्बिनेशन फाइल उसकी डाउनलोड करते हैं, उसे पहले कॉम्बिनेशन फाइल करने से एक अलग लोकेशन हो जाता है उसका, सबने देख रखा है यार, मैं बस आपको बताने का तरीका मैं मतलब समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ भाई ऐसे नहीं, उनको पता नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि कॉम्बिनेशन में हम आप उसमें पैटर्न लगा देंगे, उसके बाद में फ्लैश कर देंगे, और जो पैटर्न हम लगाएंगे उसे अनलॉक हो जाएगा, सैमसंग FRP हमारी अनलॉक हो जाएगी। और एक हो गया हैंड FRP यूट्यूब, आज की डेट में यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, किसी भी मॉडल को उठा के देख लो, उस मतलब कोई भी मॉडल आपके पास आता है उस मॉडल को सर्च करो और यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं उन वीडियो को देख देख के भी उनसे नहीं होता, बहुत ही अच्छा तरीका उन्होंने बताया समझाया, और जो मैंने ये टॉपिक आपको बताया ना इनके ऊपर एक एक वीडियो सबके ऊपर आएगी, चाहे मेरे को सैमसंग के 4 पार्ट बने, 6 पार्ट बने या 7 पार्ट, कितने भी पार्ट बने पर सैमसंग का फंडा आपको समझा के दूंगा। लेकिन जब सैमसंग की FRP 40-50-60 रुपए में होने लगेगी तो फिर कौन देखेगा इन वीडियो को, कोई नहीं देखेगा, एजेंट को कॉल करोगे वो भी करने लगेंगे, ठीक है। हो सकता है कि मेघमा की सर्विस दोबारा से खुल जाए, हो सकता है कि सैम हब की खुल जाए, फिर कौन करेगा इन चीज़ों को, कोई नहीं करेगा। सब ये चाहते हैं कि
सस्ते में काम हो, जल्दी काम हो जाए, थोड़ा सस्ता भी और अच्छा भी, सब ये चाहते हैं। मैं भी हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी ये वीडियो छोटी से छोटी करके डाल दूँ और लोग लाखों हजारों लाखों लोग देखें मेरी इस वीडियो को। सब ये चाहते हैं कि हर किसी की उम्मीद रहती है कि हम ज़्यादा कमाएँ और ज़्यादा काम करें, लेकिन पर होता नहीं है। भगवान हर किसी को हर चीज़ टाइम पे नहीं देता, उसे अलग अलग तरीके से देता, मतलब जब उसका टाइम होगा उसे जब ही मिलेगा, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि भाई सैमसंग की FRP दो तरीक़ा से हो रही है इस टाइम में, ऑनलाइन एजेंटों के थ्रू, ऑफलाइन खुद से PC, नेट और फ़ोन, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, खुद कर सकते हो ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन मैंने आपको बताया टूल से हो रही हैं, कॉम्बिनेशन फाइल से हो रही हैं और यूट्यूब पे देख देख के हो रही है फिलहाल की डेट में। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अब टेक्निकल मैथिल जो मेरा चैनल है उस पर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सैमसंग की FRP के पूरे टॉपिक ला के दूँ आपको कि किस तरीक़ा से हो रहे हैं। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि शॉर्ट में वीडियो बना के दूँ, ज़्यादा बड़ा ना खींचूँ, ठीक है। और आपको कुछ भाइयों को पता होगा जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो मैं सबसे पहले ना अपने चैनल पे इस पे MI की वीडियो डालता था, जो कोई नहीं डालता था, वो बहुत स्लो, मतलब उसमें मतलब कट सरल तरीका से मैं MI की FRP वीडियो बना के डालता था, चुटकियों में कर देता। मैंने तो मतलब टूलों से तो कभी करता ही नहीं था FRP MI की या कुछ वैसे मॉडलों की, सब हाथ से करता था। तो अब थोड़ा क्रेज बढ़ गया, अब थोड़ा हाथ की FRP करने में टाइम लग जाता, बहुत थोड़ी सी एक मिस्टेक, मतलब जो स्टेप देखना होगा और आपने वो देखा नहीं तो कहीं से कहीं और पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये सैमसंग का Part 1 है, Part 2 बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि आने के कैसे आएगा, क्या किस पे आएगा सारी चीज़, और सैमसंग वैनिटी का फंडा क्या होता, सब चीज़ जो भी होता भाई देख, कोशिश तो ये करता हूँ सभी भाइयों को, कोई भी चीज़ आपको दूँ अच्छी दूँ जो आपको समझ में आए या क्या आए, ठीक है। तो मेरा यही कहना है और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, और आज की वीडियो में हम बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।